नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देशद्रोह विवाद में आज बीजेपी बेहद तीखे तेवरों के साथ सामने आई। जेएनयू विवाद पर जिन्ना से लेकर जहरीली जुबान तक सामने आई। कन्हैया को जान से मारने की धमकी के पोस्टर चिपके और बीजेपी के संगठन से लेकर सरकार तक के दिग्गजों ने इस पर करारा हमला किया। राष्ट्रद्रोही नारों को कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के कपड़े पहनाने का प्रयास हो। इस देश के राजधानी के अंदर, किसी विश्वविद्यालय के अंदर भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के लिए बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ताओं को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं मित्रों? अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है? देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे, और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि पर्यटन और ये शिक्षा की जो दोनों बातें आपने कही है, ये बात सही है कि अगर इस तरह की कुछ घटनाएं अगर होती हैं तो उनसे भारत की छवि धूमिल होती है। हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण का सपना, राष्ट्र के सम्मान की बात करनी चाहिए, और जिससे पर्यटन में डेफिनेटली ऐसी कोई घटनाएं अगर होती तो पर्यटन को नुकसान जरूर पहुंचता। जेएनयू, जिन्ना और जहरीली जुबान के निशाने पर हैं कन्हैया कुमार, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष ने भी केंद्र सरकार के इशारे पर अपने उत्पीड़न का आरोप जड़ दिया है। ऋचा सिंह पर फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का आरोप लग रहा है। वहीं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIMC के एक प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता ने सियासत का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। अमित सेन गुप्ता का तबादला ओडिशा कर दिया गया था, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका जो रुख था जेएनयू मसले को लेकर, उसे देखते हुए उन पर यह एक्शन लिया गया है और उन्हें ओडिशा के केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए, कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बन करके उभरा है, इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। कन्हैया को जान से मारने की धमकी, कन्हैया को गोली मारने पर 11 लाख के इनाम का ऐलान। BJYM नेता ने दी जुबान काटने की धमकी। कन्हैया की जुबान काटने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान। इस दुष्ट कन्हैया की जो भी व्यक्ति जीभ काट के लाके देगा, मैं उसको नगद 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। खतरे में JNU छात्र संघ अध्यक्ष की जान। जेल से छूटे देशद्रोह के आरोपी JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के निशाने पर अब प्रधानमंत्री मोदी, मोदी सरकार, BJP और संघ हैं। जेल से रिहा होने के बाद JNU पहुंचे कन्हैया की जुबान आग उगल रही है, तो उस पर मंडराने लगा है जान का खतरा। दिल्ली में पूर्वांचल सेना नाम के एक संगठन ने कन्हैया कुमार को गोली मारने वाले को 11 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है। इस बारे में पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। कन्हैया के भाषण देने के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है, और अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों पर ऐसे पोस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं जहां पर कन्हैया को मारने के बाद लाखों रुपए के इनाम देने की बात कही गई है। यहां पर कई लोगों को आप देख सकते हैं, भीड़ इकट्ठी है, लेकिन खास बात क्या है इसकी यहां पर कि पुलिस खुद इन पोस्टर्स को इस वक्त देखने के लिए पहुंची हुई है। और मैं तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल यहां पर
इन पोस्टर जो कि अब फाड़ दिए गए हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो पुलिस इनकी तहकीकात कर रही है कि किस तरीके से ये पोस्टर यहाँ पर चिपकाए गए। पोस्टर में पूर्वांचल सेना अध्यक्ष के तौर पर आदर्श शर्मा नाम के एक शख्स का नाम लिखा है और एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष को तलब भी कर लिया है। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता अब कन्हैया के जुबान के ही दुश्मन बन गए हैं। यूपी के बदायूं में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप ने ऐलान किया है कि जो भी कन्हैया की जीभ काट कर लाएगा वो उसे 5,00,000 रुपए नगद इनाम देंगे। मैं किसी कीमत पर इस देश का नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, मैं देश का और अपने नेताओं का, अपने संगठन का किसी भी कीमत पर अपमान सहन नहीं करूंगा। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस कन्हैया की, इस दुष्ट कन्हैया की जो भी व्यक्ति जीभ काट के लाके देगा, मैं उसको नगद 5,00,000 रुपए का इनाम दूंगा। युवा मोर्चा नेता के इस विवादित बयान के बाद सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। एक ओर बीजेपी के युवा नेता कन्हैया पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के सीनियर लीडर शत्रुघ्न सिन्हा कन्हैया के समर्थन में आगे आए। माननीय न्यायालय से कन्हैया को बेल मिलने पर खुशी हुई, अच्छा लगा कि उसे जेल से छोड़ दिया गया। इच्छा और उम्मीद है कि वो अब खुद को उस समर्थन के काबिल साबित करे जो उन लोगों ने उसे दिया, जिसका मानना था कि उस पर गलत इल्जाम लगाया गया। कन्हैया को लेकर हो रहे जानलेवा ऐलानों के बाद उसकी जान को खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने उसकी हिफाजत के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।